ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਬਣੇ ਸਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਢੋਲ ਦੀ ਡਗੇ ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਸਨੀ ਦਾ ਪਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਯੂ ਨੈਕਸਟ। मैं जी बठिंडा 7 महीने बाद आया। वैसे तो मैं इत्थे रहिंदा नहीं सी, जदों मैं आया तो मैं सोचा नहीं सीगा कि मेरा इन्ना वधिया तुसी वेलकम करोगे, इन्ना तुसी प्यार दोगे। थैंक यू सो मच, लव यू। तुहाडी दुआवां नाल, तुहाडी वोटिंग नाल, तुहाडे आशीर्वाद नाल मैं इत्थे आया ते बहुत प्यार दित्ता। सुबह तो लैके हुण तक दा सुबह कितने बजे आए? सुबह जी मैं इत्थे 1 बजे आया सी दिने ते फ्लाइट लेट हो गई सी थोड़ी जी। नहीं इत्थे बठिंडा जी ते घरे तो हाले मैं गए नहीं। अच्छा एग्रीमेंट किस किस नाल होया? एग्रीमेंट जेड़ा फिल्मां च जी मेरे 2 फिल्मां च गाने आ गए। ये तुहाडे प्यार दा सदका, तुहाडे दुआवां दा सदका है कि किसी रियलिटी शो च ऐदा होया नहीं कि चलदे शो च किसी इन्नी वड्डी मूवी च गाना मिले। शंकर महादेवन सर ने मैनू नाल गवाया डोट पंगा मूवी च जुगनू सॉन्ग, और जो इमरान हाशमी और ऋषि कपूर जी हैं उनकी फिल्म में मैंने गाना गाया है रोम रोम, वो भी आपने सुना है। और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मुझे ये मौका मिला। आप सभी की दुआओं की वजह से है ये, आप सभी की प्यार की वजह से। और देखिए आज आप यहाँ पहुँचे, पूरा शहर आपका स्वागत करता है। आपके परिवार की कोई मदद करने आगे नहीं आया? जैसे आज ये जी इन्होंने भी आपका स्वागत किया, लेकिन इन्होंने भी पहले कोई मदद नहीं की। जैसे आप आज आए तो आपका स्वागत कर रहे हैं, आपने भी पब्लिसिटी कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? स्ट्रगल तो अकेले को ही करना पड़ता है, कोई साथ में नहीं आता, किसी को नहीं पता होता है किसी का। कुछ मेरे हालात ऐसे थे, कोई मेरे साथ नहीं दे पाया, जो नहीं दे पाया मतलब जो मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे वो इतने वो भी नहीं थे कुछ कर पाएँ। तो जैसे भी था मैं अकेला ही लड़ा कि मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं जाना है। तो मुझे किसी मेरे यार दोस्त ने बताया कि इंडियन आइडल एक शो आ रहा है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करो, और ऐसे मैं गया। और मैंने कोई तैयारी नहीं की थी कि यहाँ जाने के लिए कुछ भी, मैं बस वैसे ही चला गया था। मुझे 2-3 सॉन्ग आते थे गाने नुसर साहब के, और भी मैं बॉलीवुड भी गाता था, तो बस उसी के वही गिने चुने गाने थे जो गया था मैं लेकर, और भगवान ने सुन ली। और आज यहाँ आपके प्यार की वजह से। सनी तुहाडा कोई उस्ताद है कि नहीं? जी नहीं, उस्ताद नहीं है मेरा अभी। कई दावा भी करते हैं नहीं, उस्ताद नहीं है जी। उस्ताद वो हालात ही नहीं थे कि मैं सीख पाऊँ किसी से, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीख नहीं पाया क्योंकि पापा की डेथ हो गई थी छोटी सी उम्र में। मैं 13 या 14 साल का था, बहुत छोटा था, मुझे घर की जिम्मेदारियों का भी नहीं पता था। तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला। मुझे गायकी से, सिंगिंग से प्यार था, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं कुछ बनूंगा या कुछ करूंगा। वो तो मेरे यार दोस्तों के कहने की वजह से मैं चला गया था ऑडिशन देने के लिए। लेकिन हाँ जी देखो जी, एक तो होंदा है कि कोई बंदा सपना देखता कि मैं उस मुकाम पर जाना, मैं ये सपना भी नहीं देखा सी कि मैं इत्थे तक जा सकता सीगा और 2 मूवी च गाना गा सकता सीगा। मैं कदे सोचा नहीं, मैं बहुत बस मैं हाले भी मतलब सपने च लग रहा मैनू कि ये सपना ही हो रहा। कदे कोई पुछदा नहीं सी, हुण ये तुहाडा प्यार है ते रब दी बस मेहर हैगी ते और थोड़ी जी मेरी मेहनत भी हैगी बस। प्लानिंग किद्दां दी? जी हाले तो मैं इस बारे सोचा नहीं, फिलहाल मैं शो के बारे ही सोच रहा क्योंकि उत्थे बहुत कम होंदा, सानू बहुत गाने एक दिन च सानू 6 गाने याद करने पैंदे, उस टाइम 2-3 दिन बाद फिर परफॉर्म करना होंदा। लिरिक्स ना भुल जाइए या कुछ भी सुर ताल सम दा सब ध्यान रखना पैंदा, तो इस गल्लां ते ध्यान ही नहीं आंदा। फिलहाल तो मैं शो के बारे सोच रहा, हाले इस बारे नहीं सोचा। स्टडी जी मैं 6 तक की, उसके बाद छड़ता सी मैं जी गाना। 6 रह गए जी। कुछ लोग का कहना है कि सक्सेस होने के बाद सनी बठिंडा छोड़ दूंगा, बठिंडे को भूल जाऊंगा। नहीं, बठिंडा तो वो तो मेरा घर ही है, वो तो मैं दूर जा ही नहीं सकता, लेकिन एक आर्टिस्ट का काम होंदा क्योंकि बठिंडे च वो है नहीं म्यूजिक के बारे इन्ना, क्योंकि आप तुसी खुद ही देखते हो जिदा चंडीगढ़ मुंबई तुसी जाओगे उत्थे आर्टिस्ट लोगों को काम भी मिलता है, मतलब देखना पैंदा। तो मैं तां करके वैसे जाऊँगा, लेकिन घर तो मेरा इत्थे ही रहना, बठिंडा तो बठिंडा ही है, मेरे मैं बठिंडे तो अलग थोड़ी हो सकता है। जी मैं आफरी किया परफॉर्म सब तो पहला स्टूडियो राउंड से, फिर थिएटर राउंड से मैं मेरा पिया घर आया वो गाना गाया सी, ऐदा ही। जी मेरा सपना सीगा, मेरी मम्मी नूं मैं राणी बना के उन्होंने जिन्ने उन्होंने दुख देखे जिन्ना उन्होंने मुसीबत देखिया मैनू इत्थे पहुँचाउण दे लई उन्होंने इन्नी मेहनत की है। मैं लड़दा भी सी मम्मी तो म्यूजिक नूं मैं अलग ही तरीके नाल देखदा, वो मैनू पता मैनू महसूस होंदा जदों मैं गाउंदा। ते मम्मी ने बस उदों लड़िया सी, मम्मी ने मैनू कहा कि नहीं जाना नहीं जाना, मैं एक बार कहा मम्मी मैनू लास्ट मौका दे दो, इस तो बाद मैं कदे जिद नहीं करनी कित्थे जाण दी। तो मम्मी ने कहा ठीक है ये लास्ट मौका है, तो मैं गया और भगवान ने सुन लिया आपके सामने। जी मैं उदों छोटा सीगा, बहुत छोटा सीगा जी। सनी अपना कोई भी एक फेवरेट गाने पे आप थोड़ा सा बता कर बोल देंगे, सामने देखिए थोड़ा सा गाना सामने देखिए। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। सनी ने कहा कि मैं किते इंडियन आइडल बनने लई सुपने विच भी नहीं सोचा सी अते ना ही मैं कोई उस्ताद तारिया, क्योंकि मैं बहुत करीब सी, मैं जिथों तक पहुंचिया हाँ तुहाडे लोकां अते परमात्मा दी मेहर सदका पहुंचिया। हुण तक मैं 2 फिल्मां विच गीत भी गा चुका। उन्हें कहा कि मैं अपने घर बठिंडे विच ही रहांगा पर म्यूजिक दे लई मैनू जाना पवेगा, मेरी मम्मी ने बहुत दुख झल्ले ने, हुण मैं मम्मी नू राणी बना रखांगा। मैं सनी दी मम्मी हैगी ते बहुत खुशी हो रही लग्या रहा मैनू। तो कल दी असी तैयारियां हो रही करी जाते साढ़े बच्चे वास्ते, तो पूरा पंजाब पूरा बठिंडा तो पूरा इंडिया बहुत ही ज़्यादा खुशी मना रहा है भी साढ़ा बच्चा आंदा पे। तो मेरा बच्चा नहीं पूरे पंजाब का पूरे इंडिया का बच्चा है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके तो उन्होंने जिता के सारे सारे धन्यवाद सारे पूरी। पंज 4 महीने बाद खुशी बहुत ज़्यादा हो रही, इन्नी हो रही जैसे समाया नहीं जाता साढ़े कोल। पूरे पंजाब नू खुशी है, साढ़े बठिंडे नू पूरे इंडिया नू बहुत ही ज़्यादा खुशी है सानू भी। तो मैं यही कहना चाहती भी जिन्ना भी पंजाब है साढ़ा इंडिया है साढ़ा बठिंडा हैगा भी बच्चे नू वध तो वध वोट दे के उन्होंने जिता के तो तुसी लिओ। जी असीं यही कहना चाहवांगे सानू बहुत खुशी आ, साडा भरा इन्ने महीनों बाद आ रहा, असीं चंगे दिलों मतलब दिलों उहदा स्वागत कीता, बहुत तैयारियां कीतियां उहदे वास्ते, सब कुछ उहदे लई स्पैशल आ, सानू बहुत खुशी आ बस। हाँ जी मतलब जश्न तुहाडे सामने ही आ, तुसीं वेख ही लिया, सारियां दे चेहरे 'च समाइल आ, सारियां दे दिलां 'च खुशी आ, उहदे लई मतलब असीं तां बहुत खुश हाँ, इस तो अगे कुछ भी नहीं है कहने वास्ते। रही गल है भी उन्होंने वोट करो, बहुत बहुत वोट करके इत्थों तक तुसीं उन्होंने पहुँचाया, अगे भी तुसीं लैके जाओगे, उन्होंने बहुत सारी वोट करो। उधर ही सनी हिंदुस्तानी की माता ते भैन ने कहा कि उन्होंने बहुत खुशी है कि उन्होंने पुत्र 7 महीनों बाद घर आ रहा है, जो पदवी इसने हासिल की है उस बारे कदे सुपने विच भी नहीं सोचा सी। नहीं सुना आपने, नहीं सुना मुझे लग रहा है आपने, शोर आना चाहिए। से तेरी मौला तू मेरी रातों की दूधिया चांदनी, तू मेरे दिन का उजाला। अकेले तो मैं वहाँ भी गाता हूँ, लेकिन आज आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला है तो आज आप साथ में सब गाएंगे। रोम रोम तो सांसें जपे तेरी माला, सांसें जपे तेरी माला, तू मेरी रातों की चांदनी तू मेरे दिन का उजाला, मैंने किया है अमल प्रेम तुझसे कैसे तुझे समझाऊं। अच्छा ये गाना किसने किसने सुना था? बठिंडे तो अवतार सिंह, रिपोर्ट सिटी होम न्यूज।